Download Tarang online radio app from Google Play Store. भारत जैसे विकासशील देश में हेल्थ कभी सेंट्रल पॉइंट नहीं रहा डिस्कशन का. पिछले चार साल में मोदी सरकार के इनिशिएटिव्स के बदौलत हेल्थ हैज़ बिकम अ सेंट्रल पॉइंट. आयुष्मान भारत इसका एक बहुत ही सक्सेसफुल एक परिचय है भारत के लिए, भारत के गरीबों के लिए, भारत के पिछड़े क्षेत्रों के लिए, जहां हेल्थ बहुत नाम मात्र हुआ करता था, आज वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर स्पेस लेता हुआ. हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार. आप ADG एडमिन एंड पर्सनल हैं ऑल इंडिया रेडियो में, और आप इसके अलावा लेखक हैं, विचारक हैं, और सार्वजनिक और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स पे आपकी लेखनी पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, और उसके बारे में लोग अपने दृष्टिकोण अलग अलग रख सकते हैं. आइए हम सर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के बारे में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप हेल्थ मिनिस्ट्री में भी बहुत योगदान दे चुके हैं, और यहाँ आने से पहले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में आने से पहले सर, आयुष्मान भारत और क्या ये भारत के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है जो प्रासंगिक है, और आपने ठीक कहा कि हमारे देश में मैं मानता हूँ कि 71 साल के इस स्वतंत्र भारत में कभी भी स्वास्थ्य इतना बड़ा विषय बन के नहीं आया जितना बड़ा विषय अभी बना है, और ये इस पूरे देश के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है. और मैं मानता हूँ कि जो आपने शब्दों का प्रयोग किया है गेम चेंजर, मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर है, क्योंकि मान्यताएं हैं और जो बड़े जानकार लोग हैं उनका कहना भी है कि बिना स्वास्थ्य को सुधारे जो आपके देश में लोग हैं वो अपना वो योगदान दे नहीं सकते जो अन्यथा दे सकते हैं. बीमार व्यक्ति क्या राष्ट्रीय उत्पादकता में अपना योगदान देगा? वो नहीं दे सकता. तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो आपको ये लगेगा कि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ भारत का निर्माण होगा, इससे और भी ज़्यादा आपको आर्थिक उन्नति होगी. आपने खुद भी देखा होगा कि जो विकासशील देश हैं वो इसलिए विकसित नहीं हैं कि वो विकसित देश हैं, वो इसलिए विकसित नहीं हैं कि वहाँ पे उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है. उनके यहाँ जो सामाजिक पैरामीटर्स होते हैं या मानदंड होते हैं उनमें भी वो हमसे बेहतर होते हैं, और उन पैरामीटर्स में सबसे बड़ा एक जो पैरामीटर है वो है स्वास्थ्य. स्वास्थ्य में आप आगे होते हैं उसके साथ साथ फिर आर्थिक शक्ति बनते हैं या आर्थिक आपकी प्रगति होती है. बिना स्वास्थ्य की आर्थिक तरक्की या प्रगति नहीं हो सकती. इस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि भारत में जो अभी सरकार ने योजना बनाई है अपने आप में ऐतिहासिक योजना है, और इसका बहुत बड़ा योगदान होगा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में. इसीलिए आपने जो शब्द प्रयोग किए गेम चेंजर, मैं मानता हूँ बिल्कुल है. सर ये इम्पॉर्टेंट है, मोदी सरकार ने सबसे पहले स्वच्छता पे वार किया और उस पर एक बहुत मोटा मोटी बहुत सक्सेस भी मिला. बहुत पैरामीटर्स भी ये बता रही हैं कि स्वच्छता की वजह से हेल्थ इम्प्रूवमेंट हुआ, मैटर्निटी रेट में जो मोर्टैलिटी रेट थी उसमें सुधार भी आया, और अब ये थोड़ा देर आया, या यूँ कहें कि It took a while for the government to come forward with Ayushman Bharat, and now that the Ayushman Bharat has been implemented in a full-fledged manner, what are the silent features that you think that will act as an important milestone
for the present government and for years to come. And I may add as one more question, if you may like to answer that, that in India, this is the centerfold, health has become a centerfold. पहले होता था रेल हमारे गांव में आ जाए और ट्रेन आ जाए और बिजली आ जाए. अब हेल्थ इज़ समथिंग एस्पायरिंग मिडिल क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अंडर प्रिविलेज जो सोसाइटी है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. और ये आयुष्मान भारत उन सबको अपने अंदर समन्वय करता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा है. देखिए, आपने जो बात कही है वो बहुत ही प्रासंगिक है और बहुत ही अच्छी बात है. आप स्वास्थ्य को अन्यान्य कारणों से हमारे देश में आपने देखा होगा कि ये मुद्दा नहीं बन पाता था. और अगर आप पूरे विश्व के इतिहास को देखें और स्वास्थ्य के इतिहास को देखें तो स्वास्थ्य हमेशा एक राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए. ये इस देश में क्यों नहीं हुआ, यह इस देश का दुर्भाग्य है. आप ट्रेन चाहते हैं, आप हवाई जहाज चाहते हैं, आप स्कूल चाहते हैं, कॉलेज चाहते हैं, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं चाहते? बहुत कम बार आप देखेंगे कि MLA या MP के यहाँ या आम लोग ये मांग रखते हों कि हमारे अस्पताल खुलना चाहिए. तो मैं ये मानता हूँ कि अभी भी जनता की तरफ से जैसी मांग होनी चाहिए वो नहीं हुई है. सरकार ने अपनी तरफ से ये काम किया है, ये सरकार के पक्ष में इसका श्रेय जाता है कि सरकार ने ऐसा सोचा. अन्यथा मैं मानता हूँ ये विषय तो 50 साल पहले बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए था. दूसरा पहलू इसका ये है जो आपने कहा आयुष्मान भारत का, कि जो मुख्य बिंदु हैं उसमें सर्वप्रधान जो तत्व है वो ये है कि आज तक जो गरीब लोग हैं उनके सामने आप देखिए स्वास्थ्य सुविधाएँ क्या थीं. वो सरकारी अस्पताल में सीधे जा सकते थे, छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती थी उनका इलाज करवा सकते थे. तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तीन श्रेणियों में अस्पतालों को बांटा जाता है. प्राथमिक बोलते हैं, बीच का बोलते हैं, मध्यम और एक तृतीय श्रेणी या टर्शियरी सेक्टर कहते हैं उसको. जब आपकी कोई भयंकर बीमारी से आप पीड़ित हों, ब्रेन हैमरेज हो गया हो, हार्ट की कोई समस्या आ गई हो, तो आप कहाँ जाते हैं? आप सबसे बड़े अस्पताल में जाते हैं. तो सबसे बड़ा जो अस्पताल है वो और मझोली श्रेणी के जो अस्पताल हैं वो, ये दोनों तरह के अस्पताल गरीब लोगों के क्षेत्र से बाहर थे आज तक. और अगर आप एम्स को ले लें जहां पर किसी भी तरह का इलाज कराएंगे तो आप जानते हैं कि एम्स में पैसा लगता है. अगर आप गरीब भी हैं तो कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है. और हमारे यहाँ गरीबी का आलम यह है कि वो व्यक्ति तो 2 रुपया खर्च करने के लायक नहीं है, वो कहां से लाख रुपया खर्च करेगा, 50,000 रुपया खर्च करेगा. तो आयुष्मान भारत का जो सबसे अच्छा पहलू है वो यह है कि किसी भी परिवार में किसी भी व्यक्ति को जो इसमें कवर होता है उसको कोई भी बीमारी होगी तो उसके पूरे इलाज की गारंटी सरकार लेती है, चाहे वो सेकेंडरी लेवल पे हो या टर्शरी लेवल पे हो. दूसरा इससे जुड़ा हुआ एक और अहम पहलू है कि सिर्फ सरकारी अस्पताल तक सीमित नहीं है ये निजी अस्पताल जो हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, उनमें भी वो गरीब वैसे ही जाके इलाज करा सकता है जैसे कोई अमीर कराता है. दूसरा जो इसका और एक पहलू है वो है कि ये पेपरलेस है और कैशलेस है. ये नहीं है कि आप अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं और बाद में सरकार आपको दे रही है, ये नहीं करना है आपको. एक बार आपको आयुष्मान मित्र बोलते हैं जो व्यक्ति खड़ा होगा किसी भी अस्पताल के सामने जहां आप इलाज कराने जा रहे हैं, वो अगर कन्विंस्ड हो गया, उसको तसल्ली हो गई कि आप सही मरीज हैं और आपकी बीमारी का पता चल गया है, तो वो आपको अपनी सिफारिश करेगा, उसके बाद अस्पताल इलाज कराएगा. आपको पैसे से कोई मतलब नहीं है. और मैं मानता हूं कि इसकी जो सीमा रखी गई है 5 लाख रुपए एक परिवार, मैं मानता हूं कि ये पैसे के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा इलाज है. और 5 लाख रुपए बहुत होते हैं आज की तारीख में हमारे देश में. और ये वाकई अगर इसका क्रियान्वयन सही ढंग से होने लगा तो आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ के गरीब लोग अब बेसहारा नहीं होंगे. बीमारी होगी उनका इलाज होगा, उन बीमारियों के लिए उनको अपनी ज़मीन नहीं बेचनी पड़ेगी, कहीं से सूद पे पैसा नहीं लेना पड़ेगा. इसका एक और पहलू है जो बहुत ही अच्छा है, वो ये है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति इलाज कराने गया और जितने दिन इलाज में लग गए, जितने दिन लग गए, उनके लिए भी उनको मजदूरी किस्म से कुछ न कुछ भत्ता दिया जाएगा, कुछ न कुछ पैसा दिया जाएगा जो अभी इसमें आने वाला है. तो मैं ये मानता हूँ कि इसको कहते हैं टोटल केयर. इसका मतलब है कि गरीबी पर
मैं मानता हूं कि इतना बड़ा प्रहार इतिहास में कभी नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं एक परिवार है, चाहे मजदूरी कर रहा हो उसकी रोजी रोटी तो चल रही है, लेकिन अचानक उस परिवार में से कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो फिर परिवार की गाड़ी रुक जाती है, जो व्यक्ति कमा रहा है उसकी कमाई भी मर जाती है, फिर वो व्यक्ति वो परिवार फिर से और गरीब हो जाता है, फिर उससे उबर नहीं पाता। इसलिए मैं मानता हूं कि सरकार ने ये अग्रसोची कदम है, और चूंकि हमारा देश बड़ा है इसलिए इसको कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की योजना है। अमेरिका की आबादी आप जानते ही हमारे से एक चौथाई है, चीन हमसे बड़ा देश है लेकिन उसमें इस तरह की कोई योजना नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, और हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि ये योजना हर मायने में सफल हो, क्योंकि आप जानते हैं कई बार सरकारी योजनाओं में क्या होता है, ज़मीनी स्तर पे कई तरह की परेशानियां आती हैं। जैसे इसमें है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी श्रेणी का पता होना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार ने कुल मिला के 8 करोड़ गाँव में और 2 करोड़ शहरों में इतने परिवारों को चिन्हित किया है, और ये जो 10 करोड़ परिवार हैं, अगर इनमें 5 लोग अगर एवरेज साइज है परिवार का, 5 सदस्यों का परिवार है, तो 50 करोड़ लोग हो जाते हैं। तो पहली बात है कि उस पहचान किए हुए परिवार में से आप हैं, आपके पास कागज़ हैं, आपके पास आधार कार्ड है, जब आप जाएंगे किसी बीमारी की स्थिति में तो आपको दिखाना पड़ेगा। ये प्रक्रिया जितनी सहजता से चलेगी, आप समझें कि ये योजना उतनी ही सहजता से लागू हो जाएगी, और जो वंचित हैं जिनको इलाज मिलना चाहिए उनको इलाज भी मिलेगा। सर, ये एक मेरी बातचीत हो रही थी डॉक्टर वीके पॉल से, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं और इसके मुख्य प्रणेता भी हैं। वो कह रहे थे कि डॉक्टर इस आयुष्मान भारत की व्यवस्था में बैकएंड पे भी उतना ही ध्यान दिया गया है जितना कि जो उससे लाभार्थी होंगे। ये डॉक्टर्स बेड्स, ब्रिंगिंग द बेड्स फ्रॉम हॉस्पिटल, फ्रॉम द आर्मी, डिफेंस, रेलवेज, उन सब को एक्युमुलेट करना, तो शायद ये कितना सक्सेस हो सकता है? देखिए, इसमें आयुष्मान भारत का एक जो दूसरा इसका परिणाम होगा वो बड़ा व्यापक होगा। अपने आप में स्वास्थ्य जो आप देते हैं, यानी हॉस्पिटल कह लीजिए, मेडिकल सर्विसेज कह लीजिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा उद्योग है, जिसमें लाखों डॉक्टर हैं, लाखों नर्सेज हैं और बड़े बड़े अस्पताल हैं, और मेरा मानना है कि अन्य लाखों लोगों का की जीविका इस क्षेत्र से चलती है। जो आपने कहा उसमें ऐसा है कि इसमें पहली बात तो यह है कि जो प्राइवेट अस्पताल जो इच्छुक हैं ये सेवा देने के लिए, वो सारे इनसे जुड़ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन उनका होगा, और उनका जब भी रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें कुछ शर्तें हैं कि आपके पास डॉक्टर कितने हैं, अस्पताल कितना बड़ा है, आपके पास बेड कितने हैं। हालांकि इसमें सरकार ने कुछ लचीलापन भी रखा है, मेरे ख्याल में इसमें न्यूनतम रखा गया है कि 10 बेड का अस्पताल होगा तो उसको आप शामिल कर सकते हैं इसमें। लेकिन राज्य सरकारों को ये सुविधा दी गई है कि अगर 10 की जगह कहीं पर 8 भी अस्पताल हों, बेड हों, और अगर वो चाहते हों और सरकार को कोई दिक्कत नहीं है तो उसको भी मंजूरी मिल जाएगी। तो जो आपने कहा अंततः होगा ये कि जो आप बैकएंड की बात कर रहे हैं, एक आदमी गया इलाज कराने, अब आप ये सोच के देखिए कि अभी जिन 50 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं उनको तो अन्यथा इलाज ही नहीं मिल रहा था, तो आपको एक तरह से 50 करोड़ एडिशनल लोगों को इलाज देने के लिए हमारे देश में व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी। तो आप ये समझिए कितनी बड़ी संख्या में नए अस्पताल आ जाएंगे, डॉक्टर कितने आ जाएंगे, नर्सेज कितने आ जाएंगे, और तमाम तरह की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। तो ये मैं मानता हूं कि अपने आप में ये देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देने वाला कदम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर परिवर्तन होने वाला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे देश में। और आप जानते हैं कि हमारा देश वैसे ही, यहाँ पे कुछ निजी अस्पताल हैं जो बहुत अच्छे हैं, बाहर के हमारे यहाँ मरीज आते हैं, विकसित देशों के मरीज हमारे यहाँ आते हैं। उनके साथ साथ अब ऐसा होगा कि सारे देश में अच्छे अस्पतालों की श्रृंखला खड़ी हो जाएगी, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो कुछ स्थान हैं जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन कुछ स्थान हैं जो बड़े पिछड़े हैं। अब आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ, बिहार में आपको बहुत अच्छे अस्पताल बहुत जगह नहीं है।
तो इस दृष्टिकोण से जो आपने कहा कि हर तरीके से ये आपके देश को, राष्ट्र को, आपकी अर्थव्यवस्था को ये समृद्ध करने वाला कदम है। इसमें एक छोटा सा एक और संदर्भ जोड़ा जा सकता है कि इस योजना में पिल्फरेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि जो पहले वो इंश्योरेंस कंपनी होती थी, मेडिकल इंश्योरेंस, वो पैसे खा जाते थे और ये होता था। इस बार आईटी और जो जो टेक्नोलॉजी को बहुत बारीक से और बहुत व्यापक रूप से इनकॉर्पोरेट किया गया इस पूरी योजना में। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। सच्चाई ये है कि ये इस योजना की सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि एक तो यह है कि इस योजना में ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, मानवीय किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ स्वचालित है। मेरा नाम वहाँ पर है और आप जानते हैं आधार के किस तरीके से आप किसी को भी पहचान कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं उसके नंबर से ही कि यह व्यक्ति गरीब है, इस व्यक्ति के पास साधन नहीं है, ये सही व्यक्ति है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, अस्पताल को जो भुगतान किया जाएगा उसको भी ऑटोमेटिक भुगतान किया जाएगा, वो भुगतान भी इलेक्ट्रॉनिक है, उसके लिए जो शर्तें हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक शर्तें हैं कि इन्होंने क्या इलाज किया है, कैसा इलाज किया है, वो रिपोर्ट जाएगी, उसको कोई व्यक्ति सर्टिफाई करेगा कि हाँ ये इलाज हो गया है, और उसके बाद उनको भुगतान हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि इस योजना की बहुत बड़ी खूबी है कि इसमें गुंजाइश नहीं है कि आप इसके साथ छेड़छाड़ कर सकें। और दूसरा एक और पहलू है कि इस योजना को लाने के पहले मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने काफ़ी मनन चिंतन किया है। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उसमें सरकार ने ये प्रयोग किया कि हर एक व्यक्ति को, बेनिफिशियरी को, जो लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं उनको सीधे सब्सिडी जाती है उनके बैंक अकाउंट में। इसी तरह की जो और बहुत सारी योजनाएँ हैं जिसमें सीधे के सीधे बेनिफिशियरी को पैसा चला जाता है उनके अकाउंट में, तो उन योजनाओं की सफलता से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इन सफलताओं ने सरकार को प्रोत्साहित किया है। और मैं मानता हूं कि ये प्रोत्साहन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस योजना की सफलता के लिए एक बहुत बड़ा आधार है ये। क्योंकि जब भी आप में छेड़छाड़ की गुंजाइश होती है, बिचौलिए पैदा हो जाते हैं, कहीं से कोई पैसा खाने लग जाता है, फिर योजनाएं कमज़ोर हो जाती हैं। वो सारी त्रुटियां इसमें नहीं हैं, और इस मायने में ये अपने आप में बहुत ही नई योजना है, एक बहुत ही बड़ा व्यापक प्रयोग है। इसीलिए मैंने कहा कि इस पर तमाम लोगों का जोर होना चाहिए कि कितने अच्छे तरीके से ये सफल हो जाए। सर, आप तो हेल्थ मिनिस्ट्री में भी रह चुके हैं, जैसे हमने अपने उद्बोधन में जिक्र भी किया, और आज आप इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में हैं, लेकिन फिर भी आपकी नब्ज़ हेल्थ मिनिस्ट्री पे बनी रहती होगी। आप ये जो ओबामा केयर और एनएचएस जो यूके में है उससे इसकी तुलना हो रही है, आप कितना आशान्वित हैं या अभी आप यू वांट टू वेट एंड वॉच? देखिए, ओबामा केयर एक बहुत ही अलग कथा है, क्योंकि अमेरिका में आप समझते होंगे कि वहाँ जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, वो उसमें जो स्टेट है, राज्य है, उसको असीम शक्तियाँ प्राप्त हैं, और इसीलिए ओबामा केयर में बहुत सारी परेशानियाँ आईं। और दूसरा, जो आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम की, वहाँ पर स्कीम जो है वो काफ़ी हद तक सफल मानी जाती है, और मैंने खुद उसको महसूस किया है। मैं उन दिनों था भी एक साल वहाँ पर इंग्लैंड में, वो सफल है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये ओबामा केयर और यूनाइटेड किंगडम की जो योजना है दोनों से बेहतर है,
उसका कारण ये नहीं है कि हमने बनाई है योजना, उसका सीधा कारण ये है कि ये अद्यतन है, ये लेटेस्ट है। तो लेटेस्ट होने के जो तमाम लाभ हैं आपको अनायास मिल रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ने जब योजना शुरू की थी तब आईटी का वो जोर शोर नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये सारी चीज़ें उस कदर उपयोग में नहीं आती थी जो आज आ रही हैं। तो वो जो लाभ है आपको मिल रहा है। दूसरी बात है कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि इस देश की जो आईटी इंडस्ट्री है वो बहुत हाईफाई हो चुकी है। आप कैसी भी योजना बनाते हैं अगर उनकी मदद चाहिए तो वो आपके पास अवेलेबल हैं और कम से कम पैसे में अवेलेबल है, तो इसलिए ये सुविधा भी आपको होती है। तीसरी बात एक और भी है इसमें कि मैं गुजरात भी गया था अपने स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वहाँ पर जे आयुष्मान मित्र की तर्ज पर वहाँ पहले से ही योजना चल रही थी और मुझे लगता है कि उस तत्व को भी इसमें समाहित किया गया है, क्योंकि वहाँ भी ये योजना थी ऐसी जहाँ पर कोई व्यक्ति अगर वो किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित है तो अस्पताल जाए, प्राइवेट अस्पताल जाए और वहाँ पर एक व्यक्ति सरकार का बैठा होता था जो ये सर्टिफाई करता था कि हाँ इसकी ये बीमारियाँ हैं और उस हिसाब से उसका इलाज होता था। तो गुजरात जैसे राज्य, फिर केरल में आपको बहुत ही सफल योजनाएँ चली हैं, राजस्थान में कुछ हद तक चली है कुछ योजनाएँ, तमिलनाडु में चली हैं, तो ये सारे जो अनुभव हैं उनको इकट्ठा करके और आईटी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आधुनिक योजना तैयार की गई है जिसमें काफ़ी श्रम हुआ है, मैं मानता हूँ काफ़ी मनन चिंतन किया है और आपने अपनी बात में भी जैसे कहा नीति आयोग का भी इसमें काफ़ी योगदान है और स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पहले से ही बहुत सारी शोध सामग्री भी उपलब्ध थी। उनको पता है कि हमारे यहाँ अभी भी शिशु जन्म दर जो है वो बहुत ऊंची है, मृत्यु दर जो है वो भी बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है और जिसको हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, वो भी हमारी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि आपको मैं बताऊँ कि बांग्लादेश हमसे बेहतर है इस मामले में। तो मेरे ख्याल में ये सारी जो सामग्रियाँ हैं वो उपलब्ध थीं, सरकार ने इन पर गहन मनन चिंतन किया है, उसके बाद उसका निचोड़ है ये योजना और मैं आशा करता हूँ कि योजना सफल होगी तो ये देश स्वस्थ होगा और स्वस्थ देश ही समृद्ध होता है। जब तक आपका देश स्वस्थ नहीं होगा उस समृद्धि का कोई मतलब नहीं है। तो इसी पॉजिटिव नोट पे जब आपने कहा कि स्वस्थ देश ही समृद्ध देश को का जनक हो सकता है और होता है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय, बहुमूल्य समय दिया आज आयुष्मान भारत के इस प्रखर योजना जो भारत सरकार की एक लेटेस्ट मॉडल है जो हेल्थ को सेंटर फोल्ड पे ले आ चुकी है। हेल्थ इज़ द डिस्कशन पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस इन इंडिया एंड ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड।